हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये वीडियो कोई अपडेट वीडियो नहीं है, ये वीडियो ऐसे ही आपसे बातचीत करने के लिए वीडियो है। कुछ दिल में आया आज कि आपके लिए थोड़ी सी दिल में आज एक आया कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपसे थोड़ी खुल के बात करूँ। मैं ऑनलाइन भी आ सकता हूँ, मैं लाइव आ सकता हूँ, पर बेसिकली लाइव में होता क्या है कि ब्लर हो जाते हैं, कंटेंट ही पूरा ब्लर हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो अधिकतर लोग वैसे उसको बंद कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सीखना सब चाहते हैं, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे बहुत से लोग हमारे पास भी बैठे हुए हैं इंतजार करने की, कब हमारा बैच आएगा, कब आपका ज्वाइन बुकिंग वाला बैच आएगा और आप हमको ज्वाइन करोगे। अभी कोरोना चल रहा है और उसका भी डर बहुत ज़्यादा है, लोग अपने घर पे अपने आप को लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। बात आज उसी की है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा 28 मार्च का जो हमारा बैच था वो हमने शिफ्ट करके 5 अप्रैल को कर दिया। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर हमारा 28 मार्च का स्टूडेंट है, अगर वो चाहे और अगर उसकी व्यवस्थाएँ ठीक हो और वो आना चाहे तो वो 4 तारीख को ज्वाइन कर सकता है। 5 तारीख के सवेरे से वही नॉर्मल क्लासेस चलेंगी, तो बैच में कुछ बदलाव नहीं है, वही सारी चीज़ें जो 28 तारीख से वो 5 तारीख से होंगी। हाँ, अगर किसी कारण मान लीजिए हम तीसरे स्टेज में चले जाते हैं या समहाउ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो 5 तारीख का बैच फिर हम रद्द कर देंगे और फिर जो नया बैच होगा फिर वो अगला 28 ही होगा। और जो 5 तारीख के स्टूडेंट है उनको हम 28 मई के क्लास में हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 28 अप्रैल पहले से ही बुक है पूरा और उसमें हम कोई भी गुंजाइश नहीं है नए स्टूडेंट को लेने की। तो मैं पहले बता रहा हूँ 28 अप्रैल का बैच तो अपनी टाइम पे लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना मेरे ख्याल से 31 तक, क्योंकि जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन होकर अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप खुद देखेंगे बेसिकली मुझे लगता है आप लोग जो लॉकडाउन के काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और आप सभी लोगों के लिए एक बात बता दिया, हमने देश के उन लोगों के लिए तो बजा दिया है, एक बार आप लोगों के लिए। बट अभी बात ये है कि लॉकडाउन होकर आप कर क्या रहे हो। देखिए, बहुत सारे ग्रुपों में मैंने अपने देखे, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। देखिए, एज अ बीइंग टेक्नीशियन आपकी शॉप में सब कुछ है, मैं मानता हूँ आप दिन भर वहाँ रहते हैं। आप कोई 9 बजे जाता होगा, कोई 11 बजे जाता होगा, कोई 12 बजे, कोई सोने के बाद आराम से 1-2 बजे खोलता होगा। खैर, उसके मार्केट पर डिपेंड करता है। फिर रात भर आप काम करते हैं 10-11 बजे तक। पर मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा सेटअप आप अपने घर पर बनाइए। देखिए, वीडियो सिर्फ उसके लिए है कि किस तरह से आप अपना आपको अपडेट करें। मैं ये समझता हूँ कि छोटा सा सेटअप आप एक नॉर्मल सोल्डिंग आयरन तो घर पर रख सकते हो ना। आप माइक्रोस्कोप मत रखिए, आप जैसे माइक्रोस्कोप मत रखिए, पर नॉर्मली आप लेंस तो रख सकते हो ना। लैपटॉप तो सबके पास ही होता है, जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उनके लैपटॉप तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेस कर सकते हो। और छोटे मोटे टूल्स आप ट्वीजर्स रख सकते हो, आप ब्रश रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं दोस्तों, इतना और लमसम प्राइस नहीं लगता, तो इतना आप छोटा सा सेटअप एक टेबल पर बना सकते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट को अपडेट किया कि भाई मुझे अपडेट कीजिए, आप लोग 2-3 दिन घर में बैठ के वो सो उनका बहुत सारे लोगों के अपडेट आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे अपडेट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखिए किस तरह से वो अपडेट मुझे भेज रहे हैं कि आज उन्होंने ये काम किया, आज उन्होंने ये काम किया, तो बहुत सारे आपको स्क्रीन में अपडेट दिख रहे होंगे। बट बहुत से लोगों ने ये भी कहा, देखिए कि सर कोरोना के चलते इतना मेरे शॉप सर कोरोना के चलते बंद है और फलाना दे। सो दोस्तों, ये एक्सक्यूजेस आप अपने आप को दे रहे हो, ये एक्सक्यूजेस आप अपने आप को दे रहे हो। हमको बनना किंग है, हमको सबको बनना किंग है, पर किंग वाली हरकतें हमको नहीं करनी। आपको पता है किंग कौन होता है? किंग वो होता है जो हमारे इलाके में सारा काम कर देता है, मतलब कोई भी फॉल्ट है वो बना देता है। हम सोचते रह जाते हैं यार ये बनाया कैसे। दोस्तों, सिर्फ सोचने से किंग नहीं बन सकते। हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप बहुत कुछ सीखोगे, नई नई चीज़ें जो आपको नहीं पता, और आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। किसी फोन को खोलोगे तो आपको फिर नया सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो ऑलरेडी मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है। डेड मूव अलग जाते, लोगों के दिमाग घूम जाते हैं कि करूँ क्या, बैटरी से शुरुआत करूँ, फ्लैश करूँ, करूँ क्या। और फिर अच्छा खासा मोबाइल की वाट लगा देते हैं और दुकान घूमता है। आप मेरे से एग्री हैं तो कमेंट कीजिए अगर आप मुझसे एग्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैठे हैं घर पे तो छोटा मोटा काम करते रहिए, अपडेट होइए, नोट्स बनाइए, कहीं ना कहीं से डायग्राम लीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो कोई क्लास ज्वाइन करो। दोस्तों, कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में।
आपको लगता है ऐसे घर बैठ के, हाँ अभी मैं बात कोरोना की कर रहा हूँ क्योंकि ये महामारी पूरे दुनिया में है, ये सिर्फ हम फेस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे लोग फेस कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेस कर रहा है, पूरी अर्थ फेस कर रहा है कोरोना वायरस को। और हम इसमें ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी घर पे बैठे हुए हैं, पर हम डेली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मैं अपने 24 में से 22 घंटे अपने आप को देता हूँ, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है क्या आप अपने आप को 2 घंटे भी दो? अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे कि नहीं मेरा काम तो सारा ऑफिस में, मेरा काम तो सारा क्लास में होता है, अभी तो मैं आज आराम करूंगा, मस्त करूंगा, दोस्तों आप मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला काम कर जाएगा, आप सामने वाला काम कर जाएगा। और तब आप ये मत बोलना कि मैं उस जैसा नहीं बना यार, मैं तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, मुझे तो किंग बनना था यार, मैं तो किंग नहीं बना यार, तुमने किंग जैसा काम नहीं किया। मेरी बात को अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, पर अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सब लोग। आप लोगों के कमेंट उन लोगों के लिए हैं, उन फर्जी लोगों के लिए हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि किसी चीज को बता देने से और पूरा ज्ञान आ जाता है। दोस्तों जब तक कलम पेन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं दिमाग में, उनके ये रहता है कि अब तो हम सब सीख गए, अब सीधे जाके कस्टमर का फॉर्म खोल देते हैं। आपने लाइफ में कस्टमर का फोन नहीं खोला और सीधे जाके कस्टमर का फोन पे खोल के काम करते हैं यार, उतने लायक बनो पहले। आपको छोटे मोटे आपको सॉल्यूशंस निकालिए, खुद फोन खोलिए, उसको पहले चेक कीजिए, सेक्शन वाइज उसको चेक कीजिए। जब आपको लगे, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो डायरेक्ट कस्टमर की कोई भी आईसी उठा देते हैं, फिर बोलते हैं सर पैड निकल गए, सर ये आईसी के बाजू के कंपोनेंट निकल गए, सर ऐसा हो गया, सर नीचे की आईसी हीट हो गई। यार तुमने अगर 100 मोबाइल, मैं बोलता हूँ 100 भी नहीं, चलो 10 मोबाइल भी अगर तुमने ईमानदारी से उसके 1 घंटे पहले खोल के प्रैक्टिस कर ली होती ना, तो वो फोन में ऐसा नहीं होता। पर वो करना नहीं चाहते हम लोग, हम लोग प्रैक्टिस नाम पर से हम लोग समझते हैं यार ये लोग तो बस भाषण देते हैं, ये इंस्टीट्यूट वाले से भाषण देते हैं यार, प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं होता, सीधे लाओ कस्टमर का पेलते हैं मोबाइल को, पेलना कहते हैं उसको। आर यू, अगर आप मेरे से सहमति रखते हैं तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों मैं सच बताऊं, मैं इसलिए क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत समय है, आज आप 23 तारीख को मैं ये अपलोड कर रहा हूं, आज 23 है, चलिए और 1 घंटे बाद ये 24 हो जाएगी, मे बी आप ये 24 में वीडियो देखेंगे, ये मैं 23 तारीख को लगभग अपडेट कर रहा हूँ 11:42 पे, और ये आप देखेंगे तो 24 तारीख हो जाएगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 को भी घर पे रहना है, 26 को भी घर पे रहना है, 27 को भी, 31 तारीख तक लॉकडाउन है। आप पंजाब से हो सकते हैं, आप हरियाणा से हो सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, लॉकडाउन 31 तारीख तक चल रहा है। तो घर बैठ के अपने आप को अपडेट तो कीजिए, अपने आप को आपको अपडेट करो, इससे सबक सीखो कि अगर कभी ऐसा आए तो घर से भी काम कर सकते हो। पर नहीं, बहुत से लोगों को सिर्फ किंग बनना है, मतलब सीधी सी बात है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं उनकी, सिर्फ बातें हैं। मैं मेरा काम आपको समझाना दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस में इतने लोगों को देख चुका हूँ, मैंने हजारों लोगों को, मैंने 1000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाया अपनी लाइफ में, मैंने इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, मैं स्टूडेंट को देख कर ही समझ जाता हूँ कि कौन किस लेवल का है, कौन कितनी सोच रख सकता है, कौन कितने ऊपर जा सकता है, कौन कितनी मेहनत कर सकता है, हम उतना ही उन पर देते हैं। मैं आपको कितना भी दे दूं या दुनिया में कोई भी आपको कितना दे दे, लेना आप पर है दोस्तों कि कितनी मेहनत आप करते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट, हमारे जो बैचेस के स्टूडेंट, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना माइंड ब्लोइंग काम करते हैं कि कभी कभी रात के 3 बजे या 2 बजे से हमें लगता है चलो हमें सो जाना चाहिए, पर उनका काम देखे हमें लगता है नहीं यार आधे घंटे और काम कर लो, नहीं यार एक ये और फॉल्ट निकाल लो, नहीं यार एक ये और सोल्यूशन ढूंढ लो। आपको पता है लोग फॉल्ट कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? लोग चालू मोबाइल में अपने हैंडसेट पे काम करते हैं, उसको खराब करते हैं, उससे सोल्यूशन निकालते हैं, तब जाके वो आपको देते हैं। इस तरह से हम सोल्यूशंस निकालते हैं, R&D बोलते हैं उसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम अपने सेटों में रिसर्च करते हैं वो चीज कि ये कंपोनेंट निकालने से क्या फॉल्ट होता है, ये IC निकालने से क्या फॉल्ट होती है, इसमें क्या GR आएंगे, इस पर क्या वोल्टेज आएंगे, इसके EN कहां से मिलते हैं, इसको कहां से सप्लाई मिल रही है, VPH क्या होता है, VSY, तो ये जो भी सप्लाई आए ये सब कुछ प्रैक्टिकली जजमेंट के बाद ही प्रैक्टिकली क्लास में बताया जाता है, स्टूडेंट के सामने प्रैक्टिकली जॉब डन किया जाता है, और उनको एक प्रैक्टिकली क्लास में मिलती है कि जो भी चीज बोर्ड में बताई जा रही है वो चीज आपको प्रैक्टिकली लाइव में, जो वोल्टेज आपको मैंने बताया कि 5.7 यहां मिलेगा तो वहां पे 5.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे ही अपने जिंदगी में प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मैं सच बताऊं, दुनिया देश तो आपको घर बैठा के ही रखेगा, उसका बस चले हमारे इंडिया का बस चले तो लॉकडाउन पूरे साल भर कर दे, नहीं कोरोना है भाई, गवर्नमेंट वाले सर, गवर्नमेंट वालों की तो तनख्वाह आती रहेगी ना घर पे, आप लोगों का क्या, आप लोगों को कौन तनख्वाह देने वाला है? मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा कल घर, मैं ये नहीं कह रहा
कल जाइए और सरकार का नियम तोड़िए और घर दुकान खोलिए, 31 तारीख तक घर पे बैठिए, पर कुछ काम कीजिए घर पे। आप घर से गवर्नमेंट ने काम करने से मना नहीं किया, दुकान पे जाने से मना किया, वो घर पे बोलती है घर पे काम करो, गवर्नमेंट को घर पे काम करने के लिए। सो आप भी घर पे काम करो। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये मैं सही कह रहा हूँ, तो प्लीज मत लाइक करो। मेरे को लाइक नहीं चाहिए, मेरे को लाइक नहीं चाहिए, मेरे को डिसलाइक करो, मेरे को मत फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब मत करो, मेरे को नहीं चाहिए आपका सब्सक्राइब। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे से मुझे आपसे फायदा नहीं मिल रहा है, आपको मुझसे फायदा हो रहा है। तो आपको आगे हो सकता है फायदा हो सके और मिले, तो मुझे सब्सक्राइब वो करे जिसको लगे कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, बट इतना है आपके फ्यूचर बन जाए दोस्तों। मैं सच बताऊं, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसमें से किसी एक का भी फ्यूचर बनता है ना, तो दोस्तों हमें दिल में खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट हमसे कहता है कि सर आज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बोलता है सर आपकी वजह से। अगर इतने बड़े बड़े शब्द जब यूज करता है तो दोस्तों हमारा मन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक जरिया है, हम एक जरिया है उन लोगों के लिए जो उनको ऊपर उठा सके। वो एक हीरा है, वो समझिए ना, जब हमारे हाथ में आते तो कोयला होते हैं, पर दोस्तों कोयले से हीरे बनने के लिए जो दर्द है ना, उनको ही सहना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो जो इसे टेलीकॉन्फ्रेंस करेगा उसको सहना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक रनिंग क्लास नहीं चलाता कि आए पढ़े और चले गए, आए पढ़े और चले गए। जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट वो जानते होंगे दोस्तों, मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये नहीं सीखे ना तो मेरे बच्चे नहीं सीखे। तो इसलिए हम 24 घंटे में से हम पूरे घंटे देते हैं ये सोच के कि नया कुछ दें, अपडेट करें, देते हैं, पर हमें क्या मिलता है? हम चाहते हैं कि आपसे भी अपडेट लें। तो हमारे सारे स्टूडेंट अपडेट कर रहे हैं, बाकी आप जो भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन कोरोना के वक्त में भी अपने घर पर बैठो मत, सिर्फ काम करो, अपडेट हो। और दोस्तों अगर इस वीडियो को मोटिवेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी ये आप ये इससे भी गुजारिश है एक टेक्नीशियन भाई को दूसरे टेक्नीशियन भाई के लिए कि अब देखिएगा यहाँ पर मैं एक फॉल्ट आपको बता रहा हूँ। देखो ये फॉल्ट है, मैं इस पर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं भी आज ही बना दूंगा और कल अपलोड करूंगा। मैं अगर आपको देखिएगा दोस्तों, मेहनत करो हमारे लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करो, हमारे लिए मत करो, मेरे लिए मत करो, इस चैनल के लिए मत करो, अपने लिए करो। मैं सच बताऊं, तुम्हारे भविष्य के लिए करो, तुम्हारे बच्चों के लिए करो, तुम्हारे माँ बाप के लिए करो, अपने लिए करो दोस्तों। और इसके अलावा एक और काम, ये देखिए ये iPhone 6 है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए टच निकला हुआ है। ये देखिए ये फोन चालू होकर बंद हो जा रहा है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं क्यों बनाऊंगा, क्या रीजन है, कैसे ये हो रहा है, सारी चीज मैं इस पर डालूंगा। ये देखिए ये आईफोन पर आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिए, देखिए इसका टच वर्क नहीं हो रहा है। अब जिस भी टेक्नीशियन ने इसको किया था वो सिर्फ टच आईसी बदल के दे रहा है। दोस्तों सिर्फ आईसी बदलने या मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होता, इस आईसी के जीआर चेक किया हमने, और जीआर चेक करने पर हमें पता चला कि इसकी एक सप्लाई हाफ शॉर्ट है, और उसके हमने जब उस पर वोल्टेज दिए तो जाके हमको फिर एक छोटी आईसी मिली जो इसकी चेस्ट नेस्ट होती है, और हमने उस आईसी पे काम करना है। इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं, पर पॉसिबल नहीं होता है सबका वीडियो बनाना। और एक और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए कितने काम मैं यहाँ पे लेके बैठा हूँ। ये देखिए ये है iPhone 7 और हाँ iPhone 7, और इसका CPU करना है, इसका CPU का जॉब है तो लो बूटिंग था, CPU रिवॉल्व करना है। ये देखिए ये इसका CPU है iPhone 7, A10 इसका CPU है। ये देखिए ये करना है, फिर इसके अलावा एक और है जो मुझे करना है, ये मेरे कल के काम है। ये देखिए ये J7 का बोर्ड है और उसमें डुअल CPU है। ये देखिए डुअल CPU, मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये देखिए डुअल CPU है। तो ये रैम निकाली हुई है, निकाली है, रिवॉल्व करके इसको इसमें भी लगाना है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए है,
ये इसके लिए नहीं है, ये मेरे ही बोर्ड है, मैंने इसमें निकाला, इसको लगाया, इसके कुछ फॉल्ट मुझे ढूंढने थे, इसका मुझे सीपीयू निकाल के इसके जीआर चेक करने थे, इसकी एक सप्लाई चेक करनी थी कि वो इससे अंदर जाती है तो कितना वोट लेती है, ये चेक करने के लिए मैंने निकाला और मुझे इसमें लगाना है। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए ना, आपको अपडेट होना पड़ेगा। और सिर्फ दुकान पर बैठ के काम नहीं कर सकते, घर पर बैठ के भी काम किया जा सकता है, छोटा सा सेटअप तो बना सकते हो ना। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटा सा सेटअप बनाइए और एयरटेल टेलीकॉम को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, हमारे बैचेस ओपन हैं, कॉल कीजिए दिन में 12 और 5 बजे के बीच में, क्योंकि जो हम सिखा सकते हैं वो इंडिया में कोई भी नहीं सिखा सकता, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों मैं किसी को कंपेयर नहीं करता अपने आप से, आपने देखा होगा मैंने एयरटेल टेलीकॉम जो मेरे चैनल में 500 के ऊपर वीडियो है, मतलब तब से वीडियो बना रहे हैं जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा यूट्यूब होता है, मैं तब से वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं पहला शख्स हूँ जो ऑनलाइन आया, सबसे ऑनलाइन आके सोल्यूशन देता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पहले वो हूँ जो रिव्यू देने पे, हमको देख कर बाकी इंस्टीट्यूट रिव्यू देना सीखे हैं, हमसे सीखे हैं, अरे वो तो हमको इतना कॉपी करते हैं कि वो तो ये तक बोलते हैं कि जो हम बातें पूछते हैं वही चीज़ वही पूछते हैं। खैर वो मसला नहीं है दोस्तों, बट मैं आपको सच बताऊँ मैंने कभी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं किया, पर बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अपने आप को बेस्ट बताने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे, वो क्यों नाम लेंगे उनको, दुनिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं फिर भी वो क्यों नाम लेंगे, क्योंकि उनको उस लेवल तक जाना है, वो क्योंकि उस लेवल पे है नहीं। वैसे ही आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरे टेक्नीशियन से, मत करो, अपना काम करो, काम करते जाओ, सीखते जाओ, वो कंपेरिजन जिंदगी भर होता रहेगा, समझ में आ रहा है। और एक दिन आप अपने आप को यहाँ पाओगे दोस्तों, यहाँ आप पहले यहाँ थे, आप यहाँ पाओगे, बट अगर कंपेयर करते रहोगे ना दोस्तों, उनको देखोगे ना तो काम कब करोगे। सो अपना काम करो, अपडेट रहो, और कोरोना है तो उसका फायदा उठाओ, 24 घंटे तुम्हारे पास, कोई चिक चिक नहीं 24 में से, अरे मेरे भाई 10 घंटे तो काम कर सकता है ना, 10 घंटे अगर तुमने काम कर लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।